एक किसान के चेहरे पर उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसकी फसल अच्छी हो, और उसके चेहरे की खुशी तब दुगनी हो जाती है जब उसके फसल का उचित दाम मिले। बदलते समय के साथ साथ खेती में भी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आज आलू की खेती की एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल किसानों का काम आसान कर दिया है बल्कि उनके मुनाफे को भी बढ़ाया है। उस तकनीक का नाम है जीरो टिलेज। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। दरअसल जीरो टिलेज बिना खेत की जुताई किए खेती करने का एक नया तरीका है। अक्सर किसान धान कटने के बाद अपनी खेत को 8 से 10 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद आलू की खेती के लिए वो उस खेत की कई बार एवं गहरी जुताई करते हैं। लेकिन इस नई तकनीक अर्थात जीरो टिलेज से आलू की खेती के लिए धान के कटाई के तुरंत बाद यानी एक हफ्ता के अंदर ही खेत की बगैर जुताई किए आलू को लगाना होता है। अगर किसी कारणवश आप एक हफ्ते के बाद आलू लगाते हैं तो सबसे पहले उस खेत की नमी को देखें। अगर खेत की नमी कम लग रही हो तो आप खेत की हल्की सिंचाई या जुताई करें। इस विधि में उस खेत की नमी का उपयोग करते हुए आलू के बीज या कंदों को एक सीधी लाइन में जमीन पर रखें। ध्यान रहे कि एक लाइन से दूसरे लाइन की बीज की दूरी कम से कम 15 से 20 इंच जरूर हो। इसके बाद सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से आलू की उस बीज को ठीक से ढक देते हैं। अंत में 10 इंच मोटी पुआल की परत से उसे पूरी तरह से ढक दें, जिससे आलू पर सीधे सूरज की रोशनी नहीं पड़े। इस तरह आलू की बुआई की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। जीरो टिलेज से आलू की खेती करने के ढेर सारे फायदे हैं। क्योंकि पिछले फसल की नमी का समुचित उपयोग इस विधि में किया जाता है, इस वजह से 3 बार की जगह सिर्फ 2 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, और ये सिंचाई भी स्प्रिंकलर या झरने से किया जा सकता है। इस तरह एक सिंचाई का पानी और खर्च दोनों की बचत होती है। इस विधि में क्योंकि खेत की जुताई एवं चौकी अर्थात लेबलिंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका पूरा खर्च भी बच जाता है। खाद की लागत भी इस विधि में लगभग 50% तक कम हो जाती है। लाइन बनाने और मिट्टी चढ़ाने पर होने वाले खर्च और मेहनत भी बच जाता है। इस विधि से खेती करने में निराई गुराई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें खरपतवार बहुत ही कम होता है। इसके अलावा आलू में पाला तथा अन्य बीमारी लगने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। क्योंकि इस विधि में पराली अर्थात पुआल का उपयोग खेत में ही आलू के बीजों को ढकने के लिए किया जाता है, जिससे पराली जलाने की समस्याओं से भी किसानों को छुटकारा मिल जाता है तथा पराली जलने से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों से भी बचाया जा सकता है। इस विधि में आलू निकालने में भी काफी कम मेहनत लगता है, क्योंकि इस विधि में आलू मिट्टी के ऊपर ही आता है, इसलिए सिर्फ पुआल को हटाकर आलू को बोरी या टोकरी में रखना पड़ता है। इस वजह से आलू को निकालते समय आलू के कटने से होने वाला नुकसान भी नहीं होता, और आलू की चमक पारंपरिक विधि की आलू से ज्यादा होती है। सर, जिस तरह से बताया हम लोग किए, और उससे हम लोग का काम भी बहुत कम करना पड़ा, मेहनत भी बहुत कम लगा, पूंजी भी हमको कम लगा, और उसके बाद फायदा भी हमको ज्यादा है। बड़का बड़का गल्लू बैठले एकदम ने उतना मेहनतो नहीं लगले दिली भैया, एकदम आराम से उखाड़ लो, आराम से लू के चुन लो, कोदारी से कोरे के कोई काम नहीं हो, हाथे से कोर लो उखाड़ लो, हाथे से रोपबो के लिए दीदी भैया देखो कितना बढ़िया आलू है। अब ऐसे सब कोई खेती करल जा आ करबे आ बढ़िया से उपजा होता है, बेचबो करबे खेबो करबे। और इस बार तो 4 कट्ठा किए हैं, अगला बार कम से कम 10-15 कट्ठा करेंगे। है ना, आलू की खेती में जीरो टिलेज एक कमाल की विधि। आप भी इस परिवर्तन के भागीदार बन सकते हैं, और इसके लिए आपको अपनी आलू की खेती के पारंपरिक विधि में परिवर्तन लाकर जीरो टिलेज को अपनाना होगा।